रक्षाबंधन का त्योहार हर बार की तरह इस बार भी देश भर में धूमधाम से मनाया गया। भाई बहन ने इस मौके पर एक दूसरे पर जमकर प्यार लुटाया। बहन ने जहां भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उसकी लंबी उम्र के लिए दुआएं मांगी, तो वहीं भाई ने भी बहन को यादगार तोहफा दिया। देश के अलग अलग हिस्सों से रक्षाबंधन की अलग अलग तस्वीरें आपने देखी होगी, लेकिन हैदराबाद से जो तस्वीर सामने आई है उसने सबका दिल जीत लिया। एक भाई ने रक्षाबंधन के मौके पर एक ऐसा तोहफा अपनी बहन को दिया जो उसे ताउम्र याद रहेगा। भाई ने बहन को अपनी किडनी डोनेट कर तोहफे में नई जिंदगी दी। मेरे पेरेंट्स दोनों एक्सपायर हो गए कोविड में, पापा गुजर गए, और 21 में पापा गुजर गए, 22 में मदर। तो उसके बाद क्या हो गया, देना वाले मैं या मेरी सिस्टर छोटी, ठीक है, छोटी सिस्टर को तो नहीं बोला मैं, तो मैं अप्रोच हुआ, मैं बोला चलो ठीक है मैं देता हूँ। हम लोग फैमिली में बात डिस्कस हुई, मेरे मिसेस ने भी बोला चलो कोई बात नहीं है, दीजिए आप, ऐसा कोई बात नहीं है, जो भी है भगवान है ऊपर वाला है। तो इस बात से हम लोगों ने मैं मिसेस मेरी छोटी दीदी मेरी बड़ी दीदी डिस्कस करके मैं बताया दीदी को, तो दीदी ने भी मना किया, नहीं यार ऐसा मत कर, तू छोटे लड़के, तुझे दो लड़के हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है मेरा, दीदी को किडनी फिर ट्रांसप्लांट हो चुका है, तो समय अराउंड 3 मंथ्स है हम लोग आइसोलेशन में, 3 BHK में रेंटेड हाउस में रह रहे हैं। क्यों बोले तो आइसोलेशन मस्ट है, डॉक्टर्स ने बताया कि जितने आप सावधानी से रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, हेल्थ इश्यूज कुछ भी नहीं होंगे। क्यों बोले तो इम्यूनिटी लेवल भी कम हो चुका था दीदी का, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस केसेस होते हैं, तो उसको सुविधा सावधानी में रखते हुए हम लोगों ने बहुत सारी सावधानी निभाते हुए हम लोगों ने यहाँ तक सफ़र गुजारा है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप सभी को कि किडनी डोनेट करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। स्टार्टिंग में सोचते हैं अरे क्या हो जाएगा मुझे, क्या हो जाएगा, मेरी फैमिली है सब ठीक है, लेकिन एक है धैर्य बनाइए आप, एक दृढ़ता से रहिए आप। अगर अपन सोचे नहीं भाई ये कर सकते, कुछ भी नहीं होता तो अपन दे सकते, और उसमें क्या है अब डर रहता, हर किसी को है डर, मुझे भी था डर, मैंने भी सोचा यार क्या होता, मेरी फैमिली है छोटे लड़के, मैं बोला नहीं कुछ भी नहीं होता, जो भी होगा अच्छा होगा, बी पॉजिटिव। वो पॉजिटिवनेस से हम लोग गए, सर्जरी हो गई, भगवान की दया से एवरीथिंग वॉज राइट, एंड ये बहुत बड़ा गिफ्ट बोल के तो बोल रहे सब जनों, गिफ्ट कुछ भी नहीं है। बहन के लिए फिक्रमंद भाई दुष्यंत बरकर ने तो किडनी डोनेट कर उसे नई जिंदगी दे दी, वहीं भाई का इतना प्यार देखकर बहन शीतल भंडारी भी भावुक हो गई। मुझे किडनी का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है तो 8 ईयर्स हो गए। ओके, फर्स्टली मुझे डायग्नोज हो ही नहीं पाया है कि एक्चुअली व्हाट्स द प्रॉब्लम, स्वेलिंग, पैर पे स्वेलिंग, हाथ पे स्वेलिंग, ऑल ओवर बॉडी स्वेलिंग आने लग गया है। उसके बाद में मतलब बहुत सारे टेस्टिंग वगैरह होने के बाद में ये डायग्नोज हुआ है कि मुझे CKD, आई एम CKD पेशेंट, मतलब किडनीज में इन्फेक्शन वगैरह स्टार्ट होने के बाद में CKD का डायग्नोज हुआ है। आफ्टर दैट हम लोगों ने पुणे में 2 ईयर्स कुछ ट्रीटमेंट लिया है रूबी हॉस्पिटल से, मगर हम मुझे कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं लगा है, तो हम लोगों ने हैदराबाद मेरा मायका है, मेरी सिस्टर ने पूनम टेमकर उसने मुझे सजेस्ट किया है कि यहाँ पर एनियोज हॉस्पिटल है, एशियन हॉस्पिटल बंजारा हिल्स में, तो उन्हें वहाँ पर सजेस्ट किया है। तो हम लोगों ने वहाँ पर जाकर सब कुछ डॉक्टर से वगैरह सब मिले, मेडिकेशन वहाँ पर उन्होंने स्टार्ट किया है, उसके बाद में प्रॉपरली उन्होंने बायोप्सी वगैरह सब किया है। उसके बाद में हम लोगों ने 2 ईयर्स मेडिकेशन पर थी मैं, तब जब भी मुझे हॉस्पिटल जाना रहता था या व्यू मतलब डॉक्टर के पास जो भी मतलब रिपोर्टिंग एंड ऑल द थिंग्स, My brother was with me from starting to end. My brother was with me all. मतलब ये पूरे जर्नी में उसका बहुत बड़ा हाथ है, और एवरी मतलब विजिट में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन, या तो रिपोर्ट्स ठीक से नहीं आना है, HB ड्रॉप होना है, पोटेशियम बढ़ना है या सोडियम, ऑल द थिंग्स वेर गोइंग ऑन, फिर ऑल ऑफ सडन इतने मतलब आई वॉज प्रॉपरली आई जस्ट कांट वॉक, आई जस्ट कांट मतलब नींद नहीं आती थी मुझे ठीक से। आफ्टर दैट हम लोगों ने भाई ने ऐसे डिसीजन लिया है कि मतलब नो दिस इज टू मच। भाई बहन का रिश्ता दुनिया में सबसे पवित्र और सबसे प्यारा होता है। एक भाई अपनी बहन को खुश रखने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहता है, जिसका जीता जागता उदाहरण हमें हैदराबाद में देखने को मिला। बहरहाल अभी दोनों भाई बहन आइसोलेशन में हैं और जल्द ही वे स्वस्थ होकर आम दिनचर्या जीना शुरू करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।